पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम और कैटलिस्ट के बारे में। अब हम कहते हैं इसे पृष्ठ रसायन में ही शुरू करेंगे। कोलाइडी का या कोलाइडी मिले कोलाइड कोलाइडी कणों के बारे में पढ़ेंगे और कोलाइडी अवस्था क्या है, कोलाइडी अवस्था ये हम जानेंगे कि क्या है। कोलाइडी अवस्था क्या है, जिसे हम जो है कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उनको तीन श्रेणियों में बांटते हैं, उनके कणों के आकार के आधार पर, उनके कणों के आकार के आधार पर हम जो कि उन्हें तीन अवस्थाओं में, पहला जो आपका होता है वास्तविक कण या वास्तविक सलूशन, वास्तविक विलयन या वास्तविक कण, दूसरा होता है कोलाइडी कण या कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, और तीसरा होता है निलंबन कण या निलंबन कण। ये जो होते हैं वास्तविक विलयन, इसको हम जो कि इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं सस्पेंशन। ये तीन प्रकार के जो किसी भी पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर देखिए हम उनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला आपका वास्तविक कण या वास्तविक विलयन बनता है उससे, और कोलाइडी कण या उससे जो कि कोलाइडी विलयन बनता है, और निलंबन कण या उससे जो कि निलंबन विलयन बनता है। तो ट्रू सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, वास्तविक विलयन को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, और इसको जो कि सस्पेंशन बोलते हैं। अब जो है वास्तविक विलयन जो होते हैं इनका कणों का आकार जो होता है वो उनके कणों के आकार जो होता है 10^-7 से 10^-8 सेंटीमीटर, उनके कणों का जो व्यास होता है, ये मानते हैं कि पार्टिकल है तो इसका जो व्यास होता है डायमीटर होता है वो 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-8 सेंटीमीटर रेंज का यदि उसका व्यास है उस कण का, तो हम उस कण को जो कि ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक कण के अंदर रखते हैं या वास्तविक विलयन के अंदर रखते हैं। यदि किसी विलयन में कणों का आकार जो है, किसी विलयन में कणों का आकार 10^7 से 10^8 सेंटीमीटर है, यानी उसका व्यास जो है 10^7 सेंटीमीटर से 10^8 सेंटीमीटर होता है, तो हम बोलते हैं कि वह जो है आपका विलयन जो है वास्तविक विलयन है, और जो है इसके जो कण हैं वे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यदि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तो इनके कणों को हम देख सकते हैं, इनके कणों को देखा जा सकता है। यहाँ नहीं, इसको जो कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, और जो कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी जो आपका है उसके सहायता से भी आप देख नहीं सकते हैं। जो कोलाइडी कण, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है और कोलाइडी कणों से जो विलयन बनता है उसको आप कोलाइडी विलयन बोलते हैं, तो इसके कणों का आकार जो होता है 10^-5 सेंटीमीटर से 10^-7 सेंटीमीटर तक होता है, यानी इसके कणों का जो साइज होता है, इसके कणों का जो व्यास होता है वो 10^-5 सेंटीमीटर से 10^-7 सेंटीमीटर तक का होता है। इस प्रकार के इस साइज के जो कण आते हैं उनको हम कोलाइडी कण कहते हैं, और उनसे बनने वाले विलयन को कहते हैं कोलाइडी विलयन। और तीसरा आपका जो निलंबन है, निलंबन जो होता है उसका आकार जो होता है 10^-4 सेंटीमीटर से 10^-7 सेंटीमीटर तक, 10^-5 सेंटीमीटर तक ये होता है। इसके कणों का आकार या इसके कणों का व्यास जो होता है वो 10^-4 से 10^-5 सेंटीमीटर के आकार का होता है, तो हम बोलते हैं कि यह जो है आपका निलंबन कण है, और इससे बनने वाले विलयन जो है वो निलंबन विलयन कहलाते हैं। अब आप जो है कि कोलाइडी कणों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कोलाइडी कण क्या है। तो कोलाइडी कण जो है उनका आकार क्या है कि 10^-5 से 10^-
7 सेंटीमीटर के नियर अबाउट है, तो उसको आप बोल रहे हैं कोलाइडिकॉन। और कोलाइडिकॉन जो होते हैं, ये जो है आपका कोलाइडिकॉन जो है उसका जो आकार होता है कोलाइडिकॉन का 10^-5 सेंटीमीटर से 10^-7 सेंटीमीटर तक होता है इसके कणों का आकार, इसको आप बोलते हैं कोलाइडिकॉन। अब जो है जो कोलाइडिकॉन होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं, तो सॉल्वेंट जो होता है वह आपका देखिए वास्तविक कण होता है, यानी इसका आकार जो होता है 10^-7 से 10^-8 सेंटीमीटर आकार का होता है। लेकिन जो सॉल्यूट होता है वह देखिए 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर आकार का होता है, तो आप देखिए इसको बोलते हैं कोलाइडिकॉन। अब जो है ये जो कोलाइडिकॉन है इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है इसके कणों को देखा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं कोलाइडिकॉन। जो आपका निलंबन कण है उनका अगर आपने देखा कि 10^-4 से 10^-5 सेंटीमीटर तक है, 10^-4 से 10^-5 सेंटीमीटर तक है, और इसके अंतर्गत आने वाले कणों को हम कह रहे हैं निलंबन। ये जो निलंबन के कण है ये जो कि खुली आंखों से मतलब कि नंगी आंखों से आप देख सकते हैं, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो और अच्छे से देखते हैं। तो ये जो कि इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा कि ये जो है इनका जो साइज है बहुत छोटा, इनका जो आपके वास्तविक कण है वास्तविक कण ये हैं इनका साइज बहुत छोटा है, जो कोलाइडिकॉन है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और जो वास्तविक जो आपके निलंबन के कण हैं उनका साइज बहुत बड़ा है। यानी यदि साइज के आकार पर देखा जाए, साइज के आधार पर इनको बांटा जाए, तो जो कोलाइडिकॉन है या कोलाइडिकॉन के जो कण है वो जो है निलंबन कणों से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से तो बड़े होते हैं, लेकिन ये जो है कि आपके जो वास्तविक विलयन है उसके आकार से छोटे होते हैं, ये आप देख रहे हैं। यदि बात किया जाए देखने की तो इसको जो है कि आप नंगी आंखों से देख सकते हैं ना, इसको जो है आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे, और इसके कणों को जो है इसके कणों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप जो होगा वो जो है थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या जो किस प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी है उसका प्रयोग करके जो इसके कणों को देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर बात करेंगे तो यह आपका जो निलंबन कण है या कोलाइडिकॉन या वास्तविक है। अब हम देखेंगे कोलाइडिकॉन के बारे में, तो कोलाइडिकॉन जो है उसकी दो प्रावस्थाएं होती है, कोलाइडिकॉन जैसे विलयन जो है आपका विलयन की दो प्रावस्थाएं दो अवस्थाएं मतलब दो घटक विलयन के जो होते हैं वो क्या होता है सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट होता है, ठीक है। लेकिन यदि कोलाइडिकॉन की बात किया जाए कोलाइडिकॉन की, तो कोलाइडिकॉन जो होता है यह वास्तविक विलयन नहीं है, यह क्या है कोलाइडिकॉन आपका वास्तविक विलयन नहीं है। अच्छा पहला हम देखिए इसका उदाहरण है, तो कोलाइडिकॉन में जैसे आपका गोद आता है स्टार्च आता है ना श्रेष ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। आपका जो कि निलंबन का देखा जाए तो निलंबन का उदाहरण जो कि आपका बालू के कण जो कि पानी में घुले हुए बालू के कण, ठीक है बालू के कण पानी में घुले हुए बालू के कण जो कि ये निलंबन में आते हैं, पानी में घुले बालू के कण ये जो है कि आपके निलंबन में आ जाएंगे। गोल स्टार्च सरेस ये जो है कि आपके कोलाइडिकॉन में आ जाएंगे, और जैसे शुगर का जो है कि वाटर में सॉल्यूशन शुगर इन वाटर ये जो है कि आपका रियल सॉल्यूशन का उदाहरण है, रियल सॉल्यूशन है ये जो है कि कोलाइडिकॉन के, और ये जो है कि निलंबन के उदाहरण में आ जाएंगे। जो कोलाइडिकॉन में जो सामान्य आप देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन कोलाइडिकॉन में जो अवस्थाएं होती हैं उनको जो कि हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं।
संरक्षित प्रावधान होते हैं। लेकिन जो घुला हुआ है उसको हम कहते हैं परिचित प्रावस्था, इसी को लेकर सरल भी आप बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं जो घुला हुआ है। और जिसमें घुला है उसको आप परिक्षेपण माध्यम या साल्वेंट कहिए, विलयन के केस में जो सॉल्यूट और साल्वेंट होते हैं, तो सॉल्यूट आपका जो परिक्षेपण प्रावस्था कहलाता है और साल्वेंट आपका यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम जिसमें घुला हुआ है। ये परिक्षेपण प्रावस्था इसको हम जो इसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्सिव पार्टिकल्स। ये रहेगी परिक्षेपण प्रावस्था है और ये रहेगी आपका परिक्षेपण माध्यम है। अब हम जो है अब कोलाइडिंग विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर देखेंगे कि क्या है, कोलाइडिंग विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर क्या है। तो कोलाइडिंग विलयन के बारे में हम ये जानें कि वे पदार्थ जिनका आकार 10^5 सेंटीमीटर से, जिनके कणों का आकार 10^5 सेंटीमीटर से 10^7 सेंटीमीटर तक का होता है, वे जो है कि कोलाइडिंग कण कहलाते हैं। अब जो है हम कोलाइडिंग विलयन, कोलाइडिंग कण से बनने वाले विलयन को हम कहते हैं कोलाइडिंग विलयन, और कोलाइडिंग विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर क्या है ये हमें जानना है। तो कोलाइडिंग विलयन एक तरफ लिख देते हैं और एक तरफ जल्दी बात करें, तो यहाँ जो है इसका जो साइन होता है 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर का होता है इसके कणों का आकार, और इसके कणों का आकार जो होता है 10^-7 से 10^-8 सेंटीमीटर का होता है। इसका जो है इसके इसका जो विलयन होता है उसका पराशरण दाब अधिक होता है, इसका पराशरण दाब अधिक होता है और इसके केस में जो है पराशरण दाब कम होता है, पराशरण दाब कम होता है। इसकी बात करेंगे इनका आसानी से स्कंदन होता है, आसानी से स्कंदन हो जाता है। इनका जो है विपरीत आवेशित कणों के उपस्थिति में ही स्कंदन होता है, विपरीत आवेशित कणों की स्कंदन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ जो कि इसका जो ये कण है या जो वास्तविक विलयन है यह डाउनवर्ड मोशन नहीं शो करता है, ये जो है डाउनवर्ड मोशन नहीं शो करता है या डाउनवर्ड गति डू नॉट शो डाउनवर्ड मोशन, ये जो है आपका डाउनवर्ड मोशन नहीं शो करता है और यह जो आपका शोर ब्राउन विलयन मोशन, यहां पर जो आपका ये तो ठीक है, एक मिनट ये आपका जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां पर देखिए वास्तविक विलयन है और यहां पर देखिए आपका कोलाइडिंग है, यहां तक तो आपका ठीक था कि इसका आकार होता है 10^7 से 10^8 सेंटीमीटर होता है, ये ठीक था, यहां पर 10^5 से 10^7 सेंटीमीटर तक होता है ये भी ठीक था,
इसका भी पराशरणता बनी बताया कि कोलाइडी विलयन का पराशरणता बनी इसका पराशरणता बनी होता है ये उल्टा हो गया पराशरणता अधिक होता है इसका इसका जो है पराशरणता कम होता है पराशरणता कम होता है इसके जो कण है इनके कणों का स्पंदन आसानी से हो जाता है स्पंदन आसान होता है ना? और इनका जो है स्पंदन जो है विपरीत आवेशित कणों की उपस्थिति में होता है विपरीत आवेशित कणों की उपस्थिति में स्पंदन होता है उपस्थिति में स्पंदन होता है इसका जो होता है आपका ये आपका जो कि ब्राउनीय गति नहीं शो करते हैं ब्राउनीय गति ब्राउनीय गति नहीं दिखाते हैं लेकिन ये जो है आपके ब्राउनीय गति शो करते हैं ब्राउनीय गति होती है यहाँ जो है ये टिंडल इफेक्ट टिंडल प्रभाव जो है नहीं शो करते हैं टिंडल प्रभाव नहीं होता है ठीक है और इनमें जो है टिंडल इफेक्ट देखा जाता है टिंडल प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर जो है कि वैद्युत कण संचलन नहीं होता है जबकि यहाँ पर वैद्युत कण संचलन होता है तो हमें जो है कि तीन बातें देखना है स्पंदन क्या होता है ब्राउनीय गति टिंडल इफेक्ट और वैद्युत कण संचलन ये चार चीजें जो है कि आगे देखना है हम जो है कि पराशरणता के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे लेकिन इसके पहले जो कि हमें पराशरणता स्पंदन ब्राउनीय गति टिंडल इफेक्ट और जो है कि वैद्युत कण संचलन क्या है ये सब जानना होगा तो उसके इन सबको पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा देखते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं तो ये है कि मतलब कोलाइडी विलयन जो है उनके बनने के आधार पर जो है हम देखेंगे कि कितने प्रकार के विलयन होते हैं कोलाइडी विलयन तो आपके कोलाइडी विलयन जो है बनने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं एक होता है लियोफिलिक या इसको हम कहते हैं द्रव श्रेणी कोलाइडी और एक होता है लियोफोबिक कोलाइडी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं इनको हम लियोफिलिक या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और इनको कहते हैं लियोफोबिक या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन लियोफिलिक मतलब वे विलयन जो जब आपका सॉल्वेंट लेंगे सॉल्वेंट जो होता है वहां पर लिक्विड होगा और लिक्विड के साथ जो सॉल्यूट है आपका या कोलाइडिंग कण है जो आपका सॉल्यूट ही कोलाइडिंग कण होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो तो वास्तविक कण होता है यानी उसका तो आकार आपका लिक्विड 10^-7 से 10^-8 सेंटीमीटर ही होता है लेकिन जो आपका जो सॉल्यूट आप घोलते हैं उसका आकार लिक्विड 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर तक का होता है तो यह जो आपका जब घोला जाता है किसी लिक्विड में यदि आपका जो कि सोल्यूशन जल्दी से तैयार होता है तो आप बोलते हैं कि लियोफिलिक है और यदि सोल्यूशन जो कि तैयार होने में देर लगती है यानी आसानी से सोल्यूशन नहीं तैयार होता है तो आप बोलते हैं कि लियोफोबिक कोलाइडर सोल्यूशन है यानी द्रव स्नेही मतलब कि जो जब आप लिक्विड में उसको घोल रहे हैं सोल्यूट को तो जल्दी से जो कि आपका कोलाइडर विलयन तैयार हो रहा है तो आप उसको द्रव स्नेही कोलाइडर विलयन यानी द्रव से जल्दी से जुड़ने वाला कोलाइडर विलयन या द्रव स्नेही कोलाइडर विलयन कहेंगे
और जब आपका कोलाइडिंग इवेंट ऐसा होता है या जब आप देखिए सॉल्यूट को लिक्विड में भिजा करते हैं और आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से नहीं तैयार होता है तो आप बोलते हैं यह लियोफोबिक या द्रव विरोधी कोलाइडिंग इवेंट है। ये देखिए हमने यहाँ तक देखा, आगे जो है हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये देखिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।